सही समय पे सही लोगों से गाइडेंस लें, वरना गलत समय पे गलत जगह पे और गलत लोगों को एंटरटेन करते फिरोगे। हे स्वागत है आप सभी का, और इस चीज को शौकीन खान कहते हैं, जो अपने चैनल के माध्यम से लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस लाने का, उनको सही डायरेक्शन दिखाने का, उनको मोटिवेट करने का एक छोटी सी कोशिश करता है। कोशिश बड़ी हो सकती है अगर आप लोग थोड़ा साथ दे दें और वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको एक्चुअल में उसकी नीड है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। लाइफ का एक एक मिनट कितना कीमती है, अगर इसकी वैल्यू जाननी है तो उन लोगों से जाकर मिलिए जो आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अब वो कुछ भी कर लें लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पल परचेज नहीं कर सकते, तो ये सब देख कर, ये सब जान कर खुद को ब्लेस्ड फील करें कि हाउ लकी आई एम। अभी भी शायद मेरे पास समय है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आगे बढ़ सकता हूँ, तो इस समय को वेस्ट ना करें, निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें, और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही है, हैप्पीनेस। तो आज मैं आपको लाइफ के कुछ ऐसे ही सीक्रेट्स बताऊंगा जो मैंने कामयाब और सुखी लोगों में देखे हैं। बीच में आंखों की ठंडक के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए कुछ डिफरेंट भी करेंगे, बट फिलहाल मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ पेश करूंगा ताकि आपको वीडियो का सार समझ में आ जाए। ज़रा गौर फरमाइएगा। सफ़र में ठोकरे नहीं तो मंजिल की अहमियत क्या खाक जानोगे, अगर गलत से मिले ही नहीं तो सही को क्या खाक पहचानोगे, कभी लड़खड़ाओगे तो कभी संभल भी जाओगे, कभी लड़खड़ाओगे तो कभी संभल भी जाओगे, कभी चोट खाओगे तो कभी मुस्कुरा भी जाओगे। ये तो जिंदगी के तजुर्बे हैं साहब, मुफ्त में थोड़ी पाओगे। तो अपने बैड एक्सपीरियंसेस को अपना बैड लक समझना बंद करिए, बल्कि उनसे सीख कर आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अब मैं आपको वन बाई वन वो सारे सीक्रेट्स बताता हूँ जो आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, गिव वैल्यू, गिव वैल्यू, गिव वैल्यू एंड देन आस्क फॉर द बिजनेस। मैंने अक्सर जितने भी कामयाब लोग हैं या जितने भी सुखी लोग हैं उनमें एक चीज़ देखी है, वो सभी लोगों को बहुत इज्जत देते हैं और उनके अच्छे कामों के लिए उनको क्रेडिट देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। तो आज से ही आप ये काम करना शुरू कर दीजिए, दूसरों को सम्मान देना शुरू करिए ताकि आपको भी सम्मान मिले। सेकंड पॉइंट है कैरेक्टर। आपको जो इज्जत, शोहरत और हैप्पीनेस मिलती है ना, वो आपकी नॉलेज से नहीं बल्कि आपके कैरेक्टर से मिलती है। हमने कैरेक्टर को जोड़ा हुआ दूसरी चीज़ों के साथ, सिगरेट, शराब, लड़कीबाजी। अरे सिर्फ यही कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर तो यह है कि आप प्रोफेशनली कितने साउंड हैं, आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं, कहीं अपने काम के साथ तो धोखा नहीं करते हैं, बिकॉज वर्क इज़ वर्शिप। चलिए थोड़ा घूम लेते हैं जिससे आप बोर ना हो, वो क्या है ना, मेन चीज़ है खुश रहना। तो अब अगर कुछ सीखना भी है तो घूमते फिरते हंसते खेलते सीखेंगे, तो चलिए मेरे साथ घुमाता हूँ आपको थोड़ा सा। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है। मैं एक बहुत ही प्यारे से वाटरफॉल के पास हूँ, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है वो। यार एक चीज़ और है, जब हम लोग किसी ऐसी प्लेस पर आते हैं जो नेचुरल प्लेस है, काफ़ी पीस है, शांति है, सुंदरता है, तो वहाँ आके उन चीज़ों को हम गंदा ना करें। देखिए यहाँ पे अब कितना कचरा पड़ा हुआ है, किसी ने वाटर बॉटल्स फेंकी हुई है, किसी ने स्नैक्स के पैकेट्स फेंके हुए हैं, तो ऐसा हम ना करें यार, क्योंकि अगर इन प्लेसेस को भी हम गंदा कर देंगे तो फिर क्या बचेगा। शहर, कॉलोनीज हमारे पास ऑलरेडी बहुत गंदे हैं, तो अगर यहाँ पे आते हो तो आप प्लीज़ ये सब ना करें। मैं कोशिश करूँगा इस प्लेस को क्लीन करने का फिलहाल, बट आप लोग आए तो एटलीस्ट वाटर बॉटल्स और ये स्नैक्स के जो पैकेट्स हैं वो अपने साथ वापस ले जाएँ और कहीं और जाकर उसको फेंक दें। Mm-hmm.
जैसा कि अब शाम हो गई है तो ठंड बढ़ गई है, तो अब एक चाय क्यों ना हो जाए। ये आंटी बनाई है चाय, पता नहीं कौन कौन सी जड़ी बूटियां डालकर, अदरक डाली आंटी ने, आंटी बता रही है। मिक्स मसाला डाला है आंटी ने, चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, बहुत बढ़िया आंटी। और इस लोकेशन पे बैठ के शाम को चाय पीने का मजा ही अलग है। थर्ड पॉइंट है कमिटमेंट। ये बड़े काम की चीज़ है, अपने कमिटमेंट्स और अपने वादे हमेशा पूरे करिए। अगर आप अपने कमिटमेंट्स तोड़ना स्टार्ट कर देंगे ना, तो लोग आपको वैल्यू करना बंद कर देंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपके घर की कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, आप मोहल्ले में किसी मैकेनिक या इलेक्ट्रीशियन को ठीक होने दे के आते हो, वो बोलता है आपको कि भाई साहब शाम को आकर ले जाना। आप शाम को जाते हो, वो कहता है कि यार मुझे टाइम ही नहीं मिला और वो ठीक नहीं हो पाया। अब मुझे नहीं लगता कि आप अगली बार कोई चीज़ ठीक करने के लिए उस मैकेनिक या उस इलेक्ट्रीशियन को दोगे, क्योंकि कमिटमेंट जो भी तोड़ता है ना, वो लाइफ में अपने नीचे की तरफ जाता है, आगे कभी नहीं बढ़ सकता। तो कमिटमेंट या तो खुद से हो या किसी दूसरे से हो, तोड़िए कभी मत। नेक्स्ट पॉइंट है, रीडर्स आर द लीडर्स। अपनी ज़िंदगी में बुक्स को अपना फ्रेंड ज़रूर बनाइए, क्योंकि जो लोग पढ़ते हैं ना, वही आगे बढ़ते हैं। रीडर्स ही लीडर्स होते हैं, और लीडर्स भी पॉलिटिक्स में नहीं होते हैं। हर वो बंदा जो अपनी फील्ड में लीड कर रहा है, वो लीडर है। देखिए, मुझे कुछ लोगों से बड़ी नाराज़गी है, जो ना तो टॉप करते हैं और ना ही फेल होते हैं, वहीं कहीं 40-50% पे खेलते रहते हैं। या तो आप लोग मेहनत करके टॉपर बन जाइए, या फिर ये गलियां, ये चौबारे छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पैशन टू प्रोफेशन। देखिए, मैं अक्सर बोलता हुआ आया हूँ कि जो लोग अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं ना, वो लोग जल्दी भी और बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं। हर बंदे में अपना एक यूनिक टैलेंट होता है, किसी में एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेरी तरफ मत देखिए, मुझे पता है मेरे अंदर एक से ज़्यादा टैलेंट है। खैर, मजाक से हट के बात करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो मत करिए, अपने पैशन को और अपने टैलेंट को फॉलो करिए, तरक्की खुद ब खुद आपके पास चल कर आएगी। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, सर किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है? अरे भाई, स्कोप फील्ड में नहीं, स्कोप तो तेरे टैलेंट में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग। अक्सर मैंने सक्सेसफुल लोगों में एक बहुत ही कॉमन सी और एक बहुत ज़्यादा जो वो लोग फॉलो करते हैं, एक हैबिट देखी है, वो लोग सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की प्लानिंग कर लेते हैं कि आज ये सारे काम करने हैं। इससे उनका टाइम ना तो वेस्ट होता, बल्कि उनका माइंड सेट रहता है कि आज ही सारे काम करने ही हैं, और वो सारे काम कर भी लेते हैं। यकीन मानिए, अगर आप भी अपनी प्लानिंग करेंगे ना, तो आप जितनी प्लानिंग सुबह करेंगे, जितने कामों के लिए आप शेड्यूल करेंगे, वो सारे के सारे आपके आज ही आज में कंप्लीट हो जाएंगे, 90% तो हो ही जाएंगे। यदि आप अपने लिए प्लानिंग नहीं करते हैं, तो आपके लिए कोई और प्लानिंग करेगा। और यकीन मानिए, अगर कोई और आपके लिए प्लानिंग करेगा ना, तो वो आपसे बेहतर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंपैथी। खुद को दूसरों के सामने फालतू में एक्सपोज मत करिए कि कोई भी मिला उसको पकड़ के बस अपनी दुख भरी राम कहानी सुना दी। इससे आप लोगों की नज़रों में इफेक्टिव नहीं बन पाएंगे, बल्कि आप अपनी वैल्यू खो देंगे, वो आपको बेचारा टाइप समझने लग जाएंगे। तो दूसरों के सामने खुद को एक्सपोज मत करिए। ये कुछ सीक्रेट्स थे लाइफ के, ये सब अगर आप फॉलो कर जाएंगे ना, तो आप ऐसे सक्सेसफुल बन जाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत। अब शाम हो ही गई है, तो मैं तो सोच रहा हूँ एक डुबकी लगा कर ही जाऊँ, बाकी आप लोग अपना देख लो। एक बोनस टिप और देता हूँ, अगर किसी के अंदर भी कुछ अच्छी आदत दिखे ना, तो तुरंत अपना लो, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी अच्छी चीज़ें हमारे अंदर ही जन्म लें।